अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। बीर साहब एक सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और हरियाणवी एक्टर है। हरियाणवी इंडस्ट्री का वो जाना माना चेहरा है जिन्हें बाबू मान के नाम से जाना जाता है। सपना चौधरी की तरह बीर भी हरियाणा और पंजाब के लोगों को काफ़ी साल से एंटरटेन कर रहे हैं। सपना और बीर लगभग दोनों एक ही प्रोफेशन से आते हैं और उन्होंने भी अपने मेहनत से सफलता हासिल की है। बीर हिसार के बड़े जमींदार परिवार से है। सपना चौधरी की तरह बीर साहब भी जाट समुदाय से है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बीर बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं। बीर को हमेशा से ही सिंगिंग का बहुत शौक था, जिसके बाद उन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई तक छोड़ दिए और अपने पैशन को करियर बनाना शुरू किया। हालांकि ये आसान नहीं था। बीर को एक मुकाम हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा और संथाली बॉडी ने उनकी किस्मत बदल दी। उसके बाद 2017 में आए रसूगला जाट और आज तक ने तो बीर की लोकप्रियता और बढ़ा दी। इस गाने के बाद बीर छा गए और उनके पास काम की लाइन लग गई। बीर साहब अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी एक्टिव है। सपना चौधरी की तरह वो भी बहुत साधारण जिंदगी जीने में विश्वास करते हैं। बीर के लोकप्रिय संगीत वीडियो में देवदास, शिवा किरानी और खलनायक शामिल है। बीर ने हरियाणी फिल्म गांधी फेर आ गया में मुख्य भूमिका निभाई है। कथित तौर पर बीर साहब और सपना चौधरी ने 4 साल पहले डेटिंग शुरू की थी। मशहूर हरियाणी गायिका और डांसर सपना चौधरी के मां बनने की खबर आई तो सभी फैंस हैरान रह गए। सपना के लाखों फैंस को उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। सपना के घर नाना मेहमान आया है। जब प्रशंसकों ने सवाल पूछने शुरू किए तो सपना चौधरी के पति बीर साहब को सामना आना पड़ा। इससे पहले बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने फेसबुक पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिए। बीर साहब ने वीडियो में कहा कि किसी की निजी जिंदगी में लोगों का इस तरह का हस्तक्षेप क्या सही है। हमने अपने मर्जी से शादी की है, इसे लोगों को क्या एतराज है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।